नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि तैमूर लंगड़े को भारत से बाहर खदेड़ने वाली सनातनी वीरांगना रामप्यारी गुज्जर की कहानी। हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लंग और उनकी क्रूर सेना ने दिल्ली को शत विक्षत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मृत्युलोक भेजा था। यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपना सारा साम्राज्य खिज्र खान सैयद के हाथों छोड़कर अपने आगे के अभियान को आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा था। पर क्या यही सत्य है? क्या उस कालखंड यानी कि उस समय में कुछ और घटित नहीं हुआ था इस देश में? यह अर्ध सत्य है। आज उस वीरांगना की कथा में हम आपको बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा। सैफ्रन सोट्स, जिसकी लेखिका हैं मनोशी सिंह रावल। इसमें 51 ऐसे हिंदू वीरों की कथाएं हैं जिन्होंने इस्लामिक आततायियों और ब्रिटिश लुटेरों के अजेयता के दंभ को धूल धूसरित किया था। आज की कथा इसी पुस्तक के पहले अध्याय से ली गई है और ये कहानी है तैमूर को अपना भारत अभियान अपूर्ण छोड़ पलायन करने के लिए विवश करने वाली वीरांगना रामप्यारी गुज्जर की। रामप्यारी गुज्जर का जन्म सहारनपुर के एक गुज्जर परिवार में हुआ था। वीरता बाल्यकाल से ही रामप्यारी गुज्जर के अंदर नैसर्गिक रूप से भरी हुई थी। निर्भय और हठी स्वभाव की रामप्यारी गुज्जर अपनी माँ से पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती थी और फिर प्रातःकाल हो या संध्याकाल वे नियमित रूप से किसी एकांत स्थान में व्यायाम किया करती थी। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण की चमक और निखरती है, वैसे ही रामप्यारी गुज्जर भी नियमित व्यायाम, अथक परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी। रामप्यारी सदैव पुरुषों के सदृश वस्त्र पहना करती थी और अपने गांव और पड़ोसी गांवों में पहलवान के कौशल देखने अपने पिता और भाई के साथ जाती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति और कौशल की प्रसिद्धि धीरे धीरे आसपास पड़ोस के सभी गांवों में फैलने लगी, लेकिन हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था और रामप्यारी गुज्जर भी शीघ्र ही ऐसे एक समय से गुजरी। वर्ष था 1398। उस समय भारतवर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु ये शासन नाम मात्र का था क्योंकि उस अधिपत्य को कोई भी राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ केवल तैमूर तो कुछ तैमूर लंग या फिर तैमूर लंगड़े के नाम से भी जानते थे। तैमूर के खड़ग और उसके युद्ध कौशल के आगे नसीरुद्दीन तुगलक निरीह और दुर्बल सिद्ध हुआ और उसकी सेना पराजित हुई। नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव सा मनाया, जिसका उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कांप जाती हैं। दिल्ली को शत विशत करने के उपरांत तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उसके तीर्थों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना। जब तुगलक वंश को धाराशायी करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा। जाने कितने लोग तैमूर की इस अग्नि में भस्म हो गए, जो बचे वो दास बना दिए गए। यही सूचना जाट क्षेत्रों में भी पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया।
इस महापंचायत में जाट, गुज्जर, अहीर, वाल्मीकि, जैन, चौहान, राजपूत, ब्राह्मण, भील, लोहार, रेंगर, प्रजापत, भाट, सैन, सालवी, बंजारो और आदिवासी जैसे कई अनेक समुदायों ने अपना अहम योगदान दिया। सभी सनातनी हिंदू इसमें शामिल थे। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर किया, अपितु वहां उपस्थित सभी समुदायों से यह निवेदन किया कि वे अपने सभी मतभेद भुलाकर एक हों और तैमूर को उसी की भाषा में जवाब दें। वे केवल सनातन समुदाय की रक्षा ही ना करें, वरन समूचे भारतवर्ष के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश करें। अंततः सभी समुदायों की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। इस महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हुए थे। इन्हें समर्थन देने हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिला सदस्य थीं और उनकी सेनापति नियुक्त हुई राम प्यारी गुज्जर। वही मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुज्जर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाया गया, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही रुग्ण, वृद्धजनों और शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित स्थानांतरित कर दिया जाता था। वीर रामप्यारी गुज्जर ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण और निरीक्षण का दायित्व भी रामप्यारी चौहान गुज्जर के पास ही था। इनकी 4 सहकर्मियाँ भी थीं, जिनके नाम थे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इन 40,000 महिलाओं में गुज्जर, जाट, अहीर, भील, सालवी, रेगर, चौहान, राजपूत, भाट, सैन, प्रजापति, जैन, बंजारा, लोहार, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी और अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थीं। यूं तो इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह भी नहीं देखा था, परंतु रामप्यारी के हुंकार पर वह अपने को रोक ना पाई। अपनी मातृभूमि और अपनी संसति की रक्षा हेतु देवी दुर्गा की संसति के संबंध रखने वाली इन दुर्गाओं ने शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रत्येक गांव के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्र हो जाया करते थे और व्यायाम, मल्ल युद्ध और युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। उत्सवों के समय वीर युवक युवतियां अपने कौशल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया करते थे। अंततः धर्मयुद्ध का दिन समीप आया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1,20,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुज्जर के युद्ध आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंह के सदृश्य गरजते हुए महाबली जोगराज सिंह गुज्जर ने कहा, वीरों, भगवत गीता में जो भगवान विष्णु ने अर्जुन से कहा था उसका स्मरण करो। जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनि योग साधना करके प्राप्त करते हैं वो हम योद्धा यहाँ इस रणभूमि में लड़कर प्राप्त करेंगे। यदि मातृभूमि की रक्षा करते करते आप वीरगति को प्राप्त हुए तब भी सारा संसार आपकी वंदना करेगा। आपने मुझे अपना प्रमुख चुना है और इसलिए मैं अंतिम श्वास तक युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटूंगा। अपनी अंतिम श्वास और रक्त के अंतिम बूंद तक मैं भारती की रक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब न करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। महाबली जोगराज सिंह गुज्जर की इस हुंकार पर रामप्यारी गुज्जर ने
अपने खड़ग को चूमा और उनके साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमते हुए युद्ध का उद्घोष किया। रणभेरी बज उठा और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हों, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रामप्यारी गुज्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई, जहां एक ओर कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया था। इसके अलावा रामप्यारी गुज्जर ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगेगा। उसी टुकड़ी के पास विश्राम करने को आए हुए शत्रुओं पर धावा बोलने का भी अधिकार था। 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया। जब वह दिल्ली से मेरठ हेतु निकलने वाला था, 9,000 से ज़्यादा शत्रुओं को रात में ही कुंभी पाक पहुँचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा मानो अदृश्य हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़े, परंतु यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वह कुछ और समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने अनायास ही उन पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक भी अवसर नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ कर ही न सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुज्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और यदि वे रात को कुछ क्षण विश्राम करने हेतु अपने शिविर जाते, तो रामप्यारी गुज्जर और उनकी अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे और जो बचते थे वो रात भर ना सोने के कारण विक्षिप्त हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही क्षीण हो गया था। अर्ध विक्षिप्त, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। पर यहाँ तो मानो रुद्र के गण स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर पुनः अनायासी धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती छेद दी। तैमूर के अंग रक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, परंतु हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए, तैमूर उस घाव से कभी उबर नहीं पाया और अंततः सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से यहाँ आया था, वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत से भाग पाया। रोचक बात तो यह है कि ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है और यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, अपितु अपने सम्मान, अपने संतति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसे जाति धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसी की शैली में सबक सिखाया। पर इसे हमारी विडंबना कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात है। हमारे देशवासियों को
इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होगा। रामप्यारी गुज्जर जैसी अनेक वीर महिलाओं ने जिस तरह तैमूर को नाकों चने चबवाने पर विवश किया, वो अपने आप में असंख्य भारतीय महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। ये कथा है अधर्म की धर्म पर विजय की। ये कथा है देवी दुर्गा के संसती की, अनेक दुर्गाओं की। ये कथा है तैमूर लंगड़े की सेना की, हमारे वीरांगनाओं के हाथों अप्रत्याशित पराजय की। आज लाखों रामप्यारी उस धर्म युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हैं मुगलों की नाजायज संतानों से स्वतंत्रता के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। धन्य है भारत की नारी जो अपने सतीत्व, अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने में भी अग्रणी रहती है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।